नेगेटिव एनर्जी की बात करें, कई बार ऐसा होता है पंडित जी, हम लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप कहीं जाते हैं कई बार किसी जगह पर आप बेवजह बेचैनी महसूस करते हैं, तो क्या वो वास्तु का ही असर होता है? वो वास्तु का भी असर होता है जी, और वहाँ रहने वाले लोगों के आभा मंडल का भी असर होता है। जैसे जी बारात जब चल रही होती है तो बारात में रथ के सामने दोनों तरफ रोड लाइट लेकर के लोग चल रहे होंगे और उसके बीच में कुछ लोग नाचते हुए चल रहे होते हैं। जो आदमी बुद्धिमान होगा, जो आदमी का बौद्धिक लेवल बहुत ऊंचा होगा जी, वो आदमी उस भीड़ का हिस्सा एक मिनट भी नहीं बन पाएगा और वो बेचैन होकर के रोड लाइट के बाहर से चलना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होगा? अनजाने में ही होगा, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो मन मस्तिष्क से जिस आभा की किरणें जो निकलेंगी वो दूसरे के मस्तिष्क से टकराएंगी, इससे उसको बेचैनी बढ़ेगी और जब बेचैनी बढ़ेगी तो घबरा करके निकल जाएगा। अच्छा, भगवान शिव का आभा मंडल इतना ज्यादा है इसलिए उन्होंने जा करके कैलाश पर वास किया और जहां वो कैलाश पर वास करते हैं उसके 64 योजन तक मतलब 240 कोस तक कोई रहता वहता नहीं है। उनके आभा मंडल का इतना लंबा चौड़ा विस्तार है। आज देख लो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, अगर उससे मिलना है ना तो 1 by 1 ही व्यक्ति जाएगा मिलने के लिए, एक एक व्यक्ति ही जाएगा मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग अगर उसको घेर कर खड़े हो जाएंगे तो सबके आभा मंडल का जब उसके आभा मंडल पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता खराब हो जाएगी, उसकी निर्णय क्षमता खराब हो जाएगी। लेकिन उसी जगह प्राइमरी के टीचर को देखो, शिशु और नर्सरी को पढ़ाने वाले टीचर को देखो, तो उसके चारों तरफ बच्चे घेर कर उसको खड़े रहते हैं, हाँ, और कुछ बोलते रहते हैं और सबकी कॉपी वो देखता रहता है। इसीलिए 5 साल 5 साल 10 साल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो भी बचपना के स्वभाव का हो जाता है, ठीक है ना? तो महाभारत में कथा आती है जी, कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं भीख मांग के खा लूंगा लेकिन मैं ये रक्त रंजित जमीन नहीं लूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने मतलब कि सगे संबंधियों को, मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूं? बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये जिंदगी भर इसने धनुष बाण चलाना सीखा इसीलिए कि युद्ध करना पड़ेगा और आज ये स्त्रियों जैसी करुणा की बात कर रहा है। तो भगवान कृष्ण को एक बात याद आ गई, जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो 1 साल के लिए बृहन्नला बने थे और बृहन्नला बने थे तो इन्होंने उत्तरा को डांस करना सिखाया था, उत्तरा को नाचना सिखाया था और ये रनिवास में ही रहते थे, महिलाओं के परिधान में और महिलाओं के वेश में महिलाओं के साथ ही रहते थे। तो महिलाओं के संसर्ग में 1 साल रहने से इनके अंदर करुणा प्रवेश कर गई और वही करुणा महाभारत में बोल रही है कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मेरी धनुष कांप रही है, मेरा गांडीव कांप रहा है, मेरे वोट सूख रहे हैं, मैं कैसे लोगों को मारूंगा। प्रभाव होता है साथ का, संगति का प्रभाव होता है, स्त्रियां करुणाचित होती ही हैं, स्त्रियों में करुणा होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और स्त्रियों के ज्यादा संसर्ग में रहने वाला भी करुणा से भरपूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब भगवान शिव के बारे में बात करें तो शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, लेकिन शंकर का अर्थ कल्याण नहीं होता, शंकर का अर्थ होता है संहारक। भगवान शिव को जब आप भजते हैं तो कल्याणकारक के रूप में भजते हैं, शंकर के रूप में जब आप भजते हैं तो संहारक के रूप में भजते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव के कई रूप हैं, इनमें कुछ तो शांत सौम्य और मंगलकारी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो विनाशकारी हैं। ऐसे भयंकर रूपों में
एक रूप उनका नटराज का आता है। घर में भगवान नटराज शिव की, भगवान शंकर की, यहाँ शिव कहना उचित नहीं है, घर में भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगाना चाहिए गृहस्थ को। कई क्लासिकल डांसर इसे अपने घर में रखते हैं और कई लोग भी इसे अपने शो पीस की तरह रखना पसंद करते हैं। लेकिन नटराज की मूर्ति के दो पहलू हैं। एक तरफ नटराज की मूर्ति अद्वितीय कला की प्रतीक है और दूसरी तरफ नटराज की मूर्ति भगवान शिव के नृत्य का तांडव रूप दिखाती है जो क्रोध विनाश का प्रतीक है। इसलिए भाई नटराज की मूर्ति घर में रखने से कई बार घर में सुख शांति भंग हो जाती है, परिवार के सदस्यों में क्रोध बढ़ सकता है। इसीलिए हम अपने हर कार्यक्रम में एक बात सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपने घर में कोई तस्वीर लगाएं भगवान शिव की, तो उसमें भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हो, क्रोधित मुद्रा में अगर तस्वीर उनकी हुई और खड़े हुए अगर उनकी त्रिशूल हुई और क्रोधित मुद्रा में तस्वीर हुई, तो ये तस्वीर आपके परिवार के लोगों के लिए और आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि भगवान शिव अगर समाधि में बैठते हैं तो त्रिशूल लेकर के लोगों का वध भी करते हैं। इसलिए ध्यान से सौम्यता के साथ तस्वीर का चयन करना चाहिए।